गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम लास्ट क्लास रे पाकस्थली विषय रे पढ़ी। आज क्षुद्रांत बृहतंत्र विषय रे पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत पाकस्थली ठारु बृहतंत्र पर्यंत लंबी, यह ग्रहणी जेनुनम और इलियम को नहीं गठित। क्षुद्रांत क्या क्या नहीं गठित ना, ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम, ये तीन टा पार्ट को लेकिन आमर क्षुद्रांत गठित। आरंभ होठू ना पाकस्थल बृहतंत्र पर्यंत। बृहतंत्र खाद्यनलीर शेष अंश एवं तीन भाग में विभक्त, यथा सिकम, कोलन और मलाशय। क्षुद्रांतर शेष होची इलियम और बृहतंत्र आरंभ होची सिकम्र संजोग स्थल रे आमर कौन रही ना, भर्मीफॉर्म आपेंडिक्स नामक एक अवशेषांग रही। नेक्स्ट है पाकग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड। खाद्य को सलीकृत करने पाक नली मध्य अनेक गुड़े पाकग्रंथि अच्छी, कौन कौन ना लाल ग्रंथि, तापर आमर है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तापर यकृत, आग्नाशय, आंतरिक ग्रंथि, एगुड़ा सब। तो प्रथमे आमे लाल ग्रंथि बा सालिवरी ग्लैंड विषय रे जानिबा। मुख गहरे तीन जोड़ा लाल ग्रंथि रही, एथिरु लाल क्षरित हुए। लाल रे अच्छी कौन ना टायलिन, इम्पोर्टेंट एटा मन रखिब। लाल रे टायलिन नामक एक एंजाइम अच्छी, सी कौन करे ना श्वेतसार खाद्य को हजम कराए। तापर है आमर गैस्ट्रिक ग्लैंड, यही ग्रंथि क्षरित होता रस को आम पाचक रस बा गैस्ट्रिक जूस कहू। एथिरे लवणामल एसीएल सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम रही, मन रखिब। कौन ना गैस्ट्रिक जूस जो हुए क्षरित हुए गैस्ट्रिक ग्लैंड रु, से कौन अच्छी ना लवणामल एसीएल अच्छी आउ पेप्सिन आउ लाइपेज। नेक्स्ट है यकृत बा लिवर। मनीष शरीर में थिबा ग्रंथि मध्यरे एहा सर्वबृहत, एहा खाद्य नली बाहरे रहिछि, एथुरु क्षरित पित्त बा बाइल नली द्वारा ग्रहणी मध्यकु प्रवेश करिथाय। आग्नाशय बा पानक्रियास, एहा एक मिश्रित ग्रंथि। पढ़े तुमर क्वेश्चन, मिश्रित ग्रंथि कहा कहा जाए ना पानक्रियास बा आग्नाशय, मिक्स्ड ग्लैंड आकु कहा जाए। एहा मध्य खाद्य नली बाहर रही, एथिरु उभय एंजाइम आउ हार्मोन क्षरित हुए। आग्नाशय रसरे अमाइलेज, लाइपेज एवं प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम रही, एही समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिशे। नेक्स्ट है आंतरिक ग्रंथि। क्षुद्रांतरे थिबा आंतरिक ग्रंथि गुड़िकरु आंतरिक रस बा इंटेस्टाइनल जूस क्षरित हुए। एही रसरे थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया शेष करती। तापर आम पढ़ा पाचन क्रिया, ये आमर पाक ग्रंथि विषय रे थिला। पाचन क्रिया बा डाइजेस्टिव डाइजेशन प्रोसेसटा कौन, आमे खाउथिबा खाद्य रे श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, विटामिन आउ कौन ना धातव लवण और जल, यही सब जिनस रही था। ताहले कौन कौन रहिला आमर खाउथिबा खाद्य रे श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, विटामिन, धातव लवण और जल। विटामिन, धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजमरे एगुड़िक कोष झिली मध्य देई कोष भितरकु प्रवेश करिथांति, किंतु श्वेतसार, स्नेहसार और पुष्टिसार परि जटिल खाद्यर अणुगुड़िक बृहत्कार, तेणु एगुड़िक कोष झिली देई कोष भितरकु पशिपारन्ति नाहीं। एही सबु जटिल खाद्य ताहले किपरि आमर अब्जर्व हुए ना, खाद्यर विभिन्न प्रकार परिपक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सलीकृत खाद्य रे परिणत हुए। एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर हजम प्रक्रिया
आमर एठी देछि देख श्वेतसार जातीय खाद्य को अमाइलेज एंजाइम ग्लूकोस फ्रुक्टोस गालाक्टोस रे परिणत करे। पुष्टिसार को प्रोटीएज एंजाइम अमीनो एसिड रे कन्वर्ट करे। स्नेहसार बा लिपिड को लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसेरॉल रे रूपांतरित करे। तापरे खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक हेला कौन ना खाद्य ग्रहण तापरे पाक क्रिया डाइजेशन फास्ट है इंजेक्शन आम खाद्य ग्रहण कले डाइजेशन है पाक क्रिया अवशोषण अब्जर्बसन है आत्मिकरण आसमिलेसन है जोटा शलीकृत खाद्य परिणत है और मलत्याग इगेशन खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया कौन ता विषय जानवा आहार नली विभिन्न अंश होता पाचन क्रियार विभिन्न प्रक्रिया निम्न प्रदान करागला। फास्ट है मुख गह्वर आम पाटीपटे खाद्य ग्रहण करा खाद्य को प्रथम कौन करूँ ना दात भल भाव चर्बण कर छोट छोट खंड परिणत कर दिए। यही समय लाड़े टायालिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोस नामक दुई शर्करा रे परिणत करे। एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कौनसी खाद्य हजम हुए नाही। देखो इक्वेशन देजी श्वेतसार टायालिन एंजाइम अम्लीय परिवेश रे माल्टोस रे कन्वर्ट करे। एही लाळरे थिबा बैक्टीसिलडाल एंजाइम खाद्य रे थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मानकु कोन करथाय ना अमर नष्ट कर देथाय। एही कारणरु स्तन्यवायी प्राणी माने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर रे हेउथिबा क्षत गुडीकु कोन करथि ना भल करथाय। तुमने देखिथिबो गाई बाकी एनिमल्स माने कोन करथि ना ताकर जोठी क्षत स्थान हेथिबो सेठी से माने चाटी कि ना ताकर लाळ रे थिबा एंजाइम द्वारा ता क्षत स्थान टी ठीक होई जायथाय। तबले ग्रासनली गरम खाद्यपिंड सॉरी नरम खाद्यपिंड फूड बॉल्स गुड़ा कौन हुए ना गलेट बाट दे ग्रासनली मध्य प्रवेश करे। एठारे कौनसी प्रकार खाद्यर हजम हुए ना कौटी ना ग्रासनली खाद्य किसी हजम हुए नी जो नरम खाद्यपिंड आम जो दात चोबे मुख गहरे श्वेतसार डाइजेशन हो जाए। तापर कौन हुए ना से जो नरम खाद्य पिंड गुड़िक गलेट बाट दे ग्रासनली प्रवेश करे। एठारे कौनसी खाद्य हजम हुए ना ग्रासनली पुरसरण पेरिस्टालसिस द्वारा कौन होता है ना खाद्य पाकस्थली पहुँचे। पाकस्थली पाकस्थली विषय जाना पाकस्थली कांथरे रही पेशी गुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्यपिंडर बड़ खंड गुड़िक भांगी अति सूक्ष्म खंड में परिणत हुए। जो बड़ खंड किटा थी से कौन हम पाकस्थल संकोचन आथिलन द्वारा कौन हो जाए ना भांगी जाए छोट अति सूक्ष्म खंड में परिणत हुए। पाकस्थल निसृत पाचक रस खाद्य सहित मिसी यह एक प्रकार तरल मंड बा चाइम्रे परिणत हुए। लवणामूल पाक मंड को आत्मात्मक सॉरी अम्लात्मक करने सहित कौन करे ना जीवाणु नाश करिथाय। ये जो लवणामूल आम पाक पाटी रही थाए पाकस्थल से लवणामूल जो एसीएल आम पाकस्थल कौन करे ना पाक मंड को अम्लात्मक कर दिए करवा सहित कौन करे ना जीवाणु नाश कर दिए। पाचक रस दुई प्रकार एंजाइम थाए पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन लवणामूल मध्य सक्रिय हुए और प्रोटीन खाद्य को प्रोटीएजेस और पेप्टोन रे परिणत करे। एठारे अम्ल परिमाण अल्प परिमाण कौन हुए ना लाइपेज थिबारु स्नेहसार खाद्यर हजम आरंभ होता है। देख ये आमर दे पुष्टिसार पेप्सिन एंजाइम अम्लीय परिवेश रे प्रोटीओजेस और पेप्टोन रे परिणत हुए। स्नेहसारटा लाइपेज एंजाइम द्वारा फैटी एसिड आउ ग्लिसेरॉल रे कन्वर्ट होता है। आम देखी सारणी में प्रथम कही पढ़ा ग्रहणी क्षुद्रांतर ग्रहणी ठारे चकृतरु क्षरित पित्त और आग्नाशयरु क्षरित आग्नाशय रस यथाक्रमे खाद्य आसी मिसे। पित्त रे कौनसी एंजाइम न थाए
ଏଥିରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ପିତ୍ତ ଲବଣ କ'ଣ ହୁଏ ତା'ର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହୁଏ, ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ କିପରି ହଜମ ହୁଏ ନା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଆଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେସ୍ରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ତାପରେ ଆଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏସ୍ରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରଟା ଆଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେସ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜେନୁନମ୍ ବା ଇଲିୟମ୍, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍। ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ସାରଣେ ଦେଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଯାହା ବଳକା ରହିଗଲା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇନି ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟିଓଡ୍ ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଡ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ସ୍ନେହସାରକୁ ସେମିତି ଆନ୍ତରିକ କ'ଣ ଲାଇପେସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ର। ଖାଦ୍ୟ ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ମେନ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ତା'ର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏନ୍ଜାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ କ୍ରିୟା ଆଉ ହୋଇନଥାଏ, ହଜମ କ୍ରିୟା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଅବଶୋଷଣ ଆବଜର୍ଭେସନ୍। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଗଲା ଆମ ଶରୀରରେ ଆବଜର୍ଭ ହେବ, ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆହାର ନଳୀର କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆହାର ନଳୀର କାନ୍ଥ ଦେଇ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ମିଶିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅବଶୋଷଣ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଗହ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଟି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ପରି କେତେକ ଔଷଧ, ସୁରସାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ। ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଆତ୍ମିକରଣ ବା ଆସିମିଲେସନ୍। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲା କାହା ବାଟ ଦେଇକି ନା ଆହାର ନଳୀ କାନ୍ଥ ଦେଇକି, ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ପରେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇକି ବା ବୋହି ହୋଇକି ଗଲା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ସହିତ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମଳତ୍ୟାଗ। ଏକକାଳୀନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ମଳ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ, ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ, ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ସଙ୍କୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମଳ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଲା ଆମର ସରିଗଲା ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲର୍ନ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।